हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं घर में बहुत ही आसानी से बनने वाले आटा से और मलाई से कोकोनट कुकीज। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मलाई कोकोनट कुकीज। इसे बनाने के लिए हमें किसी भी ओवन की ज़रूरत नहीं है, बस घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने ये कुछ सामान लिया है। ये है आधी कटोरी मलाई, इसे हम एक बाउल में डालेंगे और हम इसे अपने हाथों से तब तक फेंटेंगे जब तक कि इसमें से मक्खन और दूध अलग ना हो जाए। फ्रेंड्स, वैसे तो हम मलाई को बीटर से भी फेंट सकते हैं, लेकिन जब हम इसे हाथों से ऐसे फेंटते हैं तो बिस्कुट जो है बहुत ही क्रंची और अच्छे बनते हैं और कुकीज का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। तो हम इसे ऐसे फेंटते रहेंगे जब तक कि इसमें से दूध अलग ना हो जाए और मक्खन अलग ना हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मलाई से ये कितना स्मूथ बटर तैयार हो गया है और इसमें से जो एक्स्ट्रा दूध निकला था उसे मैंने निकाल दिया है। अब हम इस मलाई में पीसी हुई चीनी डालेंगे। जितना मलाई हमने लिया है उतनी ही चीनी लेंगे। तो हमने आधी कटोरी मलाई ली थी तो हम इसमें आधा कटोरी ही पिसा हुआ चीनी डालेंगे। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि यह फिर से एकदम हल्का ना हो जाए। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें चीनी को भी खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें आटा और मैदा डालेंगे। मैंने कुकीज बनाने में आटा और मैदा दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सिर्फ आटा से या सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। हम इसे इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और आधा कटोरी आटा लिया है। अब हम इसमें ये एक बड़ा चम्मच गरी का बुरादा डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे और एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। मतलब कि हमें डो को ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही बहुत लूज करना है। आप चाहे तो आटा गूंथते समय इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। यदि आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा मैदा और आटा और ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको लगे कि डो आपका ज़्यादा टाइट हो रहा है तो आप थोड़ा सा दूध भी इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसकी कुकीज बनाएंगे। आज हम कुकीज को ओवन में बेक नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में मैंने नमक या रेत भी नहीं डाला है। आज सिर्फ एक जाली इसमें रखी है और इसी जाली से हम इसे बेक करेंगे। बेक करने से पहले हम कढ़ाई को 5 मिनट के लिए कम आंच पर प्री हीट कर लेंगे। जब तक कढ़ाई प्री हीट हो रहा है तब तक हम यहाँ कुकीज़ तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम डो को 2 पार्ट में डालेंगे, डिवाइड करेंगे। हम इसका एक लॉक बना लेंगे। अगर बड़ा लगे तो आप इसके भी 2 भाग कर सकते हैं। आप अपने पसंद का साइज कर सकते हैं। हम इसे ऐसे कर लेंगे। अब हम इसे नाइफ की सहायता से काट लेंगे। अब आप कुकीज को थोड़ा सा ऐसे चपटा कर लीजिए और चाहे तो एक फोक की हेल्प से इस पे ऐसे डिजाइन बना लीजिए। इसी तरीके से हम सारे कुकीज बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ये सारे कुकीज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इस पर अपने पसंद के अनुसार और कोई डिज़ाइन या और कोई शेप भी दे सकते हैं। अब मैं इसे ऐसे ही किसी प्लेट पे अरेंज करूँगी। प्लेट पे कुकीज रखने से पहले प्लेट को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लें। अब इस पे हम प्लेट के साइज़ के अकॉर्डिंग कुकीज डालेंगे। जो प्लेट हम लें वो प्लेट ऐसी होनी चाहिए कि वो कढ़ाई में आराम से आ जाए।
अब मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए कम आंच पर बेक होने देंगे। आप चाहें तो इसे बीच में एक बार पलट भी सकते हैं। फ्रेंड्स, कुकीज़ को बेक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम इसे चेक करें। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे बेक हुए हैं। बस हमें इसे ऐसे ही रहने देना है। हम इसे एक बार फिर ढक देंगे और गैस बंद कर देंगे। थोड़ी देर तक यह कढ़ाई के अंदर खुद ब खुद बेक होता रहता है क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। 5 से 7 मिनट हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। फ्रेंड्स, कुकीज को ऐसे ही रखे हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आइए अब इसे चेक करें। आप देख सकते हैं कुकीज कितने अच्छे बेक हुए हैं और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसे सावधानी से बाहर निकालेंगे। अब हम इन कुकीज को प्लेट्स में निकाल लेंगे और इसे खूब अच्छे से ठंडा होने देंगे। इसी तरीके से बाकी के सभी कुकीज बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने सारे कुकीज बनाकर तैयार कर लिए हैं और अभी यह अच्छे से ठंडे हो गए हैं। मैं इन्हें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लूँगी और फिर उसके बाद 15 से 20 दिन तक इसे आराम से इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।